हाँ जी 60 रुपए। डरता है यार, बहुत डरता है, डरपोक आदमी है। अच्छा अभी हम शूटिंग करने आए हैं, जो पहले हम सूट लेके गए थे यहाँ से 1200 रुपए के, अब वही सूट वही डिजाइन है। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, 1200 का सूट जो वही दे रहा है 2000 रुपए का, 1800 रुपए उसको बोला नहीं दिया उसने। ये शादी के लिए शॉपिंग करने में वैसे हाल ही आज जा रहे हैं हम ये इछरे में, वो कहते हैं पहले 1,00,000 रुपया दुकान का किराया से उन्होंने किराया 2,00,000 हो गया डॉलर, नहीं डॉलर पता नहीं होनी है, तो इन्होंने बताया 142 का डॉलर हो गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ेगा अब तो हर चीज महंगाई हो गया भाई, अब सब कुछ बढ़ना ही है, अब 160 का भी होना है, तो हमने क्या करना है बस ऐसे ही और भाई बातें बूते करके तो घर चले गए, और क्या करना है, तब्दीली आ जानी है, तो आ गई ना तब्दीली, ये तब्दीली है और क्या है, यही तब्दीली है सर, मिले ठीक है बस, जितनी मिलती जाएंगी ज्यादा बेहतर है, उनको सजाएं दें या ना दें आपके ख्याल में डॉलर बढ़ता जाएगा, सर जो मर्जी कर लें ये बढ़ना ही बढ़ना है, ये इन्होंने करना ही करना है, ये हकीकत बात है, होना ही ऐसे है, ये जब तक अल्लाह पाक की कोई ताकत होगी कि दुआएं शुआएं करें तो शायद अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हो जाए तो अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी बिल्कुल। और सर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम सर महंगाई की बात कर रहे, सर डॉलर किसी शख्स की बात नहीं कर रहे, बस ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसी बात है, इनका प्राइम कंसर्न है कि हुकूमत में जो भी बैठे महंगाई कंट्रोल हो, हाँ ये कसूर हमारा भी आपका भी कसूर है, हम यहाँ पे बातें करते हैं अपना निजाम सीधा पुरता किया और गए बस, साल दो साल की बात है महंगाई की, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो आदत तो पै जाएगी, लेकिन शायद वो उस तो यार वो कहते यार हूँ कहते आदत पै गई बस, हर बार इंतजार किया ही है ना हर हुकूमत का, एदा भी इंतजार कर लो थोड़ा, वेखो तो सही कि करता की है, इन्नी महंगाई की है ना, किन्नी महंगाई कर लेगा, एंड बंदे तो नहीं ना मरणगे, करते पे अल्लाह पाक देता है उन्होंने, जिन्नी मेरे ख्याल ना हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बने अज तक जिन्नी हूं महंगाई हुई है कभी इन्नी हुई है, वो भी तो कहना पे ना टीवी तो सुनते हो ना कि नहीं कि दो 98 रुपए चला गया, क्यों गया है ऐसे वे तो गया है, तब्दीली आ गई ना डॉलर 182 रुपए है 142 रुपए नहीं इमरान खान की, खान साहब क्या कह रहे डॉलर का रेट 150 रुपए ये 2-3 दिन में जाएगा इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से सारी आईएमएम से डीलिंग है, ये सिर्फ ऐसा ऐसा रेट बढ़ रहा है, जैसा आवाम वैसा हुक्मरान, जैसा आवाम नहीं बनता ऐसा हुक्मरान भी नहीं बनता, और भाई जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, कोई भी इन्हें से कर सकते हैं, ठीक है अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ने लाया, अल्लाह ने लाया, अल्लाह ने लाया, कोई शर्म नहीं आ रहा है, 51वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं पूछ रहा है बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं डायरेक्टर हैं फैसल महमूद साहब, क्या साहब फैसल साहब बहुत बड़े आदमी है जी, फैसल साहब खरीद से आप मिजाई ठीक है, मुझे ये बताइए कि महंगाई से कितना आम बंदा जो है वो सफर हुआ है, बात ये है कि हर दौर में कुछ ना कुछ हुआ है, अगर इस दौर में कुछ ना कुछ हो रहा है, पहले कुछ अगर महंगाई है इसमें तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कुछ ठीक हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब जरूर नहीं है कि हम, बहुत शुक्रिया जी आपका, शुक्रिया आपका, हाँ जी हजरत साहब, मैंने कभी ना खबरें नहीं सुनी, मैं एक देहाती देहात में रहने वाला हूँ, मैंने कभी खबरें नहीं सुनी, लेकिन मैं अब खबरें सुनता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है प्राइमरी पास हूँ, 5 जमातें मैंने पढ़ी है, मेरे पास इलम है, तो इमरान खान जो बातें करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है ना अमल नहीं होता, उसके ऊपर अमल नहीं होता, अगर ये लोग अमल कर लेना, अमल किसने करना है, SHO ने करना है, हवालदार ने करना है, DIG ने करना है, ये इन्होंने अमल करना है, इन्होंने ये आवाम को चलाना है, महंगाई किसने कम करनी है, महंगाई इनको पता नहीं है कैसे काम होनी है, कैसे करें महंगाई ऐसे काम नहीं होती कि पैसा आवाम को दे, पैसा आवाम को ना दे, 142 रुपए हो गया, पैसा आवाम को ना दे, पैसा उन लोगों को दे जिन लोगों का देना है, हो गया गरीब किथे जान, आवाम को ना दे, पैसा उन लोगों को दे जिन्होंने दे, 18,000 acres जमीन जो इमरान खान ने अपने मुंह से बोला है, मैंने सुना है आप कानों से, 18,000 acres जमीन जो इमरान खान ने ली है कब्जा ग्रुपों वालों से, ये गरीबों को 5-5 मरले या 7-7 मरले दे दे, कोई इमरान खान ने सारी जमीन साथ तो नहीं लेके जानी,
अगर पांच मरले सात मरले गरीबों को जगह दे दे तो मकानों की गरीबों को जरूरत नहीं और रोटी सस्ती कर दे बस। इमरान खान इस मुल्क में जब तक जिंदगी है इमरान खान की हुकूमत जाती नहीं है। इक्यावनवी सालगिरह वो मना रहा है पीपल्स पार्टी, शर्म किसी को नहीं आ रहा है, वो 100 दिन का भी हिसाब मांग रहा है, इससे बढ़ के शर्म वाली बात कोई है? ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। 51वीं सालगिरह वो आज मना रहे, स्टेज पे खड़ा होके कहता है 100 दिन का हिसाब दे दे, इससे शर्म वाली बड़ी बात अगर बंदा समझ ले तो और हो ही नहीं सकता। आप एग्री करते हैं जी इसी तरह? मैं ही बात कर रहा हूँ, जो जैसा आवाम नहीं बनता वैसा हुक्मरान भी नहीं बनता। हमारा हाथ में सब कुछ है, जब हम जी वो कहते हैं कि आप 100 दिन का हिसाब ना मांगे महंगाई भी ठीक हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, सारा कुछ बोलाना साहब क्या है आपके? ये भी शेर है। पिछली दफा आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मैंने क्या बोला था डॉलर 150 पे जाएगा, बोला था 142 पे गया। ये सारा सिस्टम फ्रॉड है, ये हुकूमत नहीं चल सकती। क्यों? के इसके पास इतना बैलेंस ही नहीं है आदमियों का, ये सिर्फ कब्जा ग्रुपों के पीछे क्यों पड़ गए? कोई आदमी के पीछे पड़ो, कोई इंसानों के पीछे पड़ो, तो ये आदमी काम का है या नहीं है? अब बताएं, सब कुछ करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, कोई कारोबार नहीं छोड़ेगा, सब कुछ उसने खत्म करना है, सब कुछ ठीक कर देगा। देखें, आपने परसों इंटरव्यू किया, आपने इंटरव्यू किया दादा दरबार के पास, वहाँ गरीब आदमी बैठे हुए हैं ना, मेरे से 200 जैकेट ले जाओ मैं बांट देता हूँ। ये अमीर आदमी जितना भी है सारा पैसा दबा के बैठा हुआ, क्यों बैठा हुआ है, किस वजह से? इनसे छीनो, 100 रुपए कमाई मिले इनसे पैसा छीनो। क्यों अब इनको तकलीफ ये है? मैं ओवरसीज का आदमी हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं 2 करोड़ रुपया वहाँ से लेके आया हूँ, किस वास्ते यहाँ आके बर्बाद होने? मैं ओवरसीज का आदमी, इतना 20-50 लाख आदमी बाहर बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा? यहाँ सुकून नहीं है। आ जाएगा, अब क्या बात आ जाएगा, आना शुरू हुआ है, यहाँ ले आएगा, वो सबको ले आएगा, क्योंकि अब शुरू हो गया काम ना। तकलीफ बताने लगते आप? मैं तकलीफ इनको यही हुई है कि उनको कब्जा ग्रुपों को हाथ डाल लिया, सबको मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, हुकूमत से नहीं मांग रहा, हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहा, हुकूमत हमारी जान छोड़ते है, खुद अपने पैरों पे खड़े हो, किसी गरीब आदमी को नहीं। सारे आपने अपने कमाई कर दिया, कोई भी नहीं हुई है, जूते महंगाई हुई है, पाकिस्तान के बाहर 40-45 लोगों ने हमको लूट लिया, 5 साल इसको दे दो, कुछ 5 साल दे दे, 40 साल 5 साल दे दिए, मैं आज मेरी बात सुने, 5 साल दे दिए, इन्होंने क्या करना है? डॉलर 160 पर चला जाएगा फिर उसने नहीं किया तो चेंज क्यों? क्या इनको प्रॉब्लम क्या है? 40 साल से मेरा कहने का मतलब नवाज शरीफ या पीपल पार्टी लूट रही है ना, सियासत तो वही है, आदमी भी वही है, हर सिस्टम भी वही है, हर महकमे में आदमी इन्हीं को लगा हुआ है, पुराना 40-40 साल पुराना, आपको क्यों नहीं लगा रहे, इनको क्यों नहीं लगा रहे, मुझे क्यों नहीं लगा रहे? उसने जो वादे किया वो क्यों पूरा नहीं किया? तजुर्बे उसके बाद तजुर्बा था, सब कुछ था, कुछ नहीं किया। कॉर्पोरेशन जान नहीं छाड़ दी, अभी दसो जान ही नहीं छोड़ रही, वही उसने कहा बेरोजगारी को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार वाले से रोजगार छीन लिया। कॉर्पोरेशन वाले भी वही है जो पहले बैठे हुए। आप कहते हैं डॉलर किधर चले गया, महंगाई किधर चलेगी, बेरोजगारी किधर चलेगी, आपके सारे मंसूबे जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो ए टू जेड तामीराती है, जो आम को नजर आए इनमें आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं, मेट्रो बस ले लें, ठीक है, नवाज स्टील ए टू जेड जितना मटेरियल है सारे के सारा पैसा अपना अंदर, वो भाई ये बताओ जो कर्जे लेके आए हैं मुल्क से वो वाम किधर जाएगी? गरीब तो पिस्ता जा रहा है ना, वो मेरी आप एक नहीं आपने ना सुने, आपने एक ट्रक कवर लोड, उन्होंने वो तो लगाई है ना, उन्होंने वो अपने घर तो नहीं लेके गए, उन्होंने आपने एक ट्रक कवर लोड, भीख नहीं मांगूंगा, मेरी बात सुनो, बात सुनो, उनका उन चीजों का उन कर्जों का टैक्स तो मैं दे रहा हूँ ना, ये लोग टैक्स दे रहे हैं तो ये टैक्स जा किधर रहा है? सर ये टैक्स तो आप जा रहे हैं ना, आपने ट्रक ओवरलोड कर दिया, आपकी उम्मतों की मिसाल वो है कि आपने ट्रक एक ओवरलोड कर दिया, बाद में ट्रक को जाने का पहले खींच दिया, ट्रक संभाल के जाते हैं उसी ट्रक में बैठाओ, हम सारे धक्का मारते हैं। नहीं, अगर
धक्का नहीं दिया आज देगा कि आज कोई सच्चा बंदा आ गया उसने जो करना है ये इन लोगों को नजर आ रहा है अब उसने धक्का देना है पहले 70 साल से नहीं दिया महंगी तब्दीली इमरान खान जानते हो बस अल्लाह सब्र करने वालों को साथ है मन सब्र 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 इंतजार करना मंगाई मंगाई महंगी सस्ती हम कोयटा से आ रहे हैं इधर हम कोयटा से आ रहे हैं इधर है कारोबार ये एक सूबे का एक शहर का बाकी पाकिस्तान का कोई उधर आवाम नहीं रहता है ये सर इधर लगा रहा है वजीर आजम रहा है नवाज शरीफ उसका भाई सारा खानदान उस वो अच्छे खासे ऊपर चले गए हम अभी तक रेडी चला रहे हैं और पाकिस्तान नहीं है उसमें उसने कुछ भी नहीं करना है कोई कसूर नहीं है भाई आप अपनी लेडी से दुकान में पहुंच जाओ ना वो कहते हैं अपनी लेडी से आप दुकान में चले जाए उनका क्या कसूर है ये कह रहे हैं रेडी से अभी उठा रहे अभी दुकान लिया है हमने हम उठा तो इमरान खान रहा है ना नवाज शरीफ तो नहीं उठा रहा वो कहते इमरान खान उठा रहा है 10,000 रेडी तो कहते इमरान खान उठा रहे हैं नवाज शरीफ तो नहीं उठा रहा अच्छा कर रहा है हम उधर दुकान क्यों आई दुकान का 10,000 रुपए किराया दे रहा है हिसाब कर देना जो मुख्य उठाता है तो लोगों ने कब्जा लगा के रखे हुए हैं ना बात खत्म कर लो गई हुकूमत फेल कैसरा जी कैसरा असल में पता क्या बात है ये जो पुल छुल बनाने वाला सिस्टम है ना ये उनको अपना ही फायदा है क्योंकि इसमें सब लोया लगता है लोया उनकी फैक्ट्री में जाता है स्क्रैप जाता है और वो जाता है स्क्रैप में सोना बन के आ जाता है सोना बन के आ जाता है हाँ जी हल क्या नजर आता हल आप जैसे कि शरीफ जैसे को सहूलत दी ना मेट्रो बना के उन्होंने तो आप जैसे को आप पहले गजू मजे थे पैसे 100 रुपए किराया लगता था अपने लिए नहीं बनाई लोगों के लिए बनाई है उन्होंने अपने लिए तो नहीं बनाई लिए बनाई उन्होंने आप तो गलत कह रहे हैं तो ये गलत बात कह रहे हैं ना ये आवाम को सहूलत के लिए बनाई उन्होंने ये हमें उनके घर तो नहीं चलती ना ये रोड पे चल रही सिर्फ सिर्फ इस बंदों को फायदा होगा हुकूमत नून लीग की होती है खान साहब क्या हाल है तबीयत कैसी है खान साहब मुझे बताएं 142 पे डॉलर चला गया ये भी वही है अभी नून लीग शहर का चोर है ये बात तो करने दे यार बात कर रहे थे बात कोई नहीं कोई धक्के ना दे खान साहब हाँ जी क्या 142 पे डॉलर चला गया ये तो 180 पे जाएगा तब्दीली जो आ गई है भाई जान ये भी उनका बंदा है इसकी जेब में 50 चाबी हैं एक मिनट इसकी जेब में 50 चाबी हैं कोई दुकान ना खुलती हो ये खोलता है ये चोर है सारा सर ये पीटीआई का बंदा है ये हमें हिल गए हैं और हमें मिल गए हैं रंगबाजी और पतंगबाजी नहीं पसंद हमको ये भी इनके साथ आ जो चले नहीं टाइम ना जाया करो भाई बताओ उनको इसकी जेब में 50 से ज्यादा चाबी हैं कोई दुकान ना खुले ये खुद खोलता है कोई माई ना जा सके ये लेके जाता है इसके जिम में क्या तब्दीली लगानी है आप और किसी से बात करें भाई बताओ क्या कह रहे हैं ये वैसे ड्रामे बात है कहने से जो कह रहे तो क्या महंगाई से कितना इम्पैक्ट पड़ा है आम बंदे पे माशाल्लाह हाँ आप लंडा लगा रहे हैं अब क्या लगा रहे अब लंडा लंडा कारोबार है ना उनका सर्दी है ना चले हाँ जी आपसे बड़ा प्यार करते हैं सारे हाँ जी हाँ जी ना तंग करें खान साहब को यार ना तंग ना करें तंग ना जी खान साहब बात हाँ जी मुझे बताएं कि एक आम बंदा कितना सफर होगा इस महंगाई से माशाल्लाह ये हुकूमत आ गई है ना इनने क्या करना है महंगाई नहीं खत्म करनी ये गुरबत मकान है गरीब नहीं गरीब मकान है गुरबत नहीं एक गल करनी थी गरीब मकान ने जरा शेर दे नारे ला रहे ना इन्होंने ये पैसे सवेरे तो कोई गाह की नहीं लगी इसलिए इमरान खान जी कुछ भी हो जाएगा कहते 5 साल देखे तो सही आप 100 दिन में हो जाएगा 100 दिन ये हाल है अभी क्या पौने 5 साल में और क्या हाल करेंगे इससे पहले क्या कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था अगर वो आया तो वो भी नहीं हुकूमत में इतना महंगाई लाना 100 दिन में भेड़ा घर कर दिए अभी मुल्क देसी मुर्गे और अंडे से चलेगा इसे बगैर किसी बहुत शुक्रिया जी 142 पे डॉलर जाने की वजह से लोगों में तश्वीश बढ़ गई है और लोग परेशान है कि ये अगर सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहा तो हालात किस कदर कड़े हो जाएंगे उस गरीब के लिए जो बड़ी मुश्किल से जिसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है वो बूढ़ा जो दिन भर लोगों में हिना तकसीम करता है फहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए हलन के बाद